सो एवरीवन, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। तो डेढ़ महीना लगभग हो चुका है सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस शुरू हुए, जहां पे नवंबर 24 वाले स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अभी सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए, राइट। तो अगर हम लोग को आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि क्या आप लोग राइट ट्रैक पे है या नहीं है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने हमारी क्लासेस परचेज किए, कुछ बच्चे लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं, कुछ बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन करते हैं थोड़ा सा देर से, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 महीने बाद भी कुछ कुछ बच्चों ने क्लासेस लिया है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रैक बताना चाहता हूँ कि क्या आप लोग हमारा क्या क्या हो चुका है, कौन सी टेस्ट हो चुकी है, आगे क्या क्या होने वाला है, उसके बारे में मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है। अगर आपने अभी तक आपका पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक मिरर देखने मिलेगा कि क्या क्या और कितना कितना हो जाना चाहिए। तो लगभग ग्रुप वन को चालू हुए सभी सभी की जगह अगर मैं बात करूं तो ग्रुप वन को चालू हुए लगभग 1.5 महीना हो चुका है। यहाँ पे ग्रुप वन के ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 40 से 50% जो सिलेबस है ना वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि देखिए, दो यहाँ पे अगर मैं 3 महीने का पूरा पूरा होता है बैच ग्रुप वन का, 1.5 महीना लगभग जा चुका है, 1.5 महीना हो चुका है, तो 50% ऑफ सिलेबस हमारा हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं मेरे सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, मैं लॉ के बारे में बात करूं, तो हमारा फेमा हो चुका है, LLP हो चुका है और कंपनीज एक्ट के चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, 8 ये सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। अभी करेंटली हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, जो भी आधा हो चुका है, आधा नहीं 30-40% हो चुका है। इसके अलावा फिर 7, 9, 10 और 11 ये सारे जो चैप्टर्स है ये हम लोग अप्रैल के महीने में पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर 1 से 10 मई के बीच में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू और जनरल क्लॉजेस एक्ट को हम लोग पढ़ने वाले, जो हमारे आखिरी 2 चैप्टर्स रह जाते हैं। क्लासेस का जो यहाँ पे टाइम है ये डिसाइड हुआ है, 15 मई तक आपके ग्रुप वन के क्लासेस होने वाले थे जैसे कि मैंने आपको बताया, तो 10 अप्रैल तक मैंने यहाँ पे भी काउंट किया हो, क्योंकि क्या होता है किसी भी दिन या कभी इमरजेंसी आ गई, क्लास नहीं हो पाई या कोई टॉपिक ज्यादा लंबा ले लिया, कभी कभार हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा ज्यादा समय लग गया, तो वो 5 दिन हम लोगों ने बफर के लिए रखा है, इसलिए यहाँ पे 5 दिन मैंने अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे 5 दिन का कोई मैंने चीजें नहीं डाला हुआ इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अब ध्यान रखना अपने को, अब आपको ये होना चाहिए कि आपका कितना कितना इसके अंदर से कवर हो चुका है। आप ये देखिए, अगर आपका बहुत ज्यादा बैकलॉग है तो प्लीज थोड़ा सा स्पीडअप कीजिए पढ़ाई के प्रोसेस को, प्लीज फटाफट फटाफट वीडियोस को देखिए, फटाफट देखिए, किसी भी दिन को आपने स्किप नहीं करना है और फटाफट हमारे साथ लाइव जुड़ने की कोशिश करना है या डेली जुड़ने की कोशिश करना है। अगर आप रिकॉर्डेड में तो ऑलमोस्ट अगर सुबह का लेक्चर होता है तो वो शाम तक या अगले दिन सुबह रिकॉर्ड हो जाता है, तो आपका ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन का बैकलॉग होना चाहिए, उससे ज्यादा बैकलॉग मत रखिए, ठीक है ना। तो 40-50% ऑफ सिलेबस सेम सारे सब्जेक्ट्स का होता है, यहाँ पे सिर्फ मेरा ही नहीं सारे के सारे सब्जेक्ट का ऐसा ही होने वाला है। अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो सेम आपका हो गया होगा, इसके साथ साथ टैक्स की बात करूं तो सेम आपका ऐसा हो गया होगा, ठीक है ना। तो आपने एक बार देख लेना है कि क्या क्या टॉपिक हो चुके हैं, कौन से बचे हुए, ये आपको बताऊंगा, ये मैं आपको प्लानिंग देता हूं, तो ये आपको मतलब बेसिकली आपको सिर्फ इतना भी पता हो कि कितने कितने टॉपिक्स बचे हैं तो उससे भी अच्छी खासी आइडिया लग जाती है। टेस्ट की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो फेमा की टेस्ट हो चुकी है, चैप्टर 2 एंड 6 की टेस्ट हो चुकी है, ये आज आपको टेस्ट पेपर इसका मिल जाएगा। चैप्टर 3 की जो टेस्ट है ये 10 अप्रैल को होने वाली है, और 4 और 5 की टेस्ट अभी तक हम लोगों ने शेड्यूल नहीं किया है, राइट। तो ये पूरे के पूरे होते हैं आपके कौन से सीए इंटरमीडिएट लॉ नवंबर 24 वालों स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं बात करूं तो ये आपका है सारी सारी बातें जो हमारी क्लास की होती है यहाँ पे, कि क्या क्या हो चुका है, क्या क्या बची है और क्या क्या यहाँ पे होने वाला है, कब होने वाला है, ये सारी चीज हमने डिस्कस कर लिया। अब ध्यान दो, हो सकता है कि आप में से अभी तक कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो 1.5 महीने में बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहे। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा जब फाउंडेशन पास करता है ना, उसको ऐसा लगता है उसने पता नहीं क्या कितने बड़े झंडे गाड़ दिए करके, और उसके बाद है ना वो बहुत ही निग्लिजेंट हो जाता है पढ़ाई के टूवर्ड्स, और वो चक्कर में क्या होता है ग्रुप वन खत्म हो जाता है, फिर वो जो ग्रुप वन छूटा हुआ है उस दर्द में बेटा ग्रुप टू भी छूट जाता है, अब समझ रहे बात को, तो वो कोप अप नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ करके या ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है, बस थोड़ी सी समझदारी लेट से आती है या वेकअप कॉल कभी कभार थोड़ा सा लेट मिलता है। तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि लगभग आपका 50% यानी कि 1/4 ऑफ सीए इंटरमीडिएट आपका अभी तक कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने अभी भी डेली नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग अभी भी अगर आपके क्लासेस का बहुत ज्यादा बैकलॉग है, आप क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए, प्लीज रोज सेल्फ स्टडी कीजिए, ये एकदम राइट टाइम है अभी भी चीजों को सुधारने का। अगर एक बार ये समय चले गया बेटा, एक बार ग्रुप वन खत्म, तो ग्रुप वन जब खत्म हुआ तो उसके
दर्द में बेटा ग्रुप टू अपना निकल जाएंगे और पता नहीं चलेगा, और फिर बहुत ज्यादा बैकलॉग होता है, बहुत टेंशन आना चालू हो जाता है। मैं आप सभी को बता दूं कि न्यू सिलेबस के अंदर ऐसा भी नहीं है कि आप एक ग्रुप क्लियर करो एंड देन फिर उसके बाद आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो, आपको कंपलसरीली दोनों ग्रुप क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये आपने बढ़िया से पॉजिटिवली लेना है, आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ एकदम प्रॉपर है, अभी भी देख लीजिए आपका क्या क्या बैकलॉग है, पहले बैकलॉग को निपटाइए और डेली क्लासेस में क्लासेस के बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है ग्रुप वन के साथ साथ, क्लासेस में जितना पढ़ा है उतना पहले पढ़ लीजिए और एक दो घंटे का अगर आप सेल्फ स्टडी टाइम निकाल ले पुराने चीजों जो टॉपिक आपके हो चुके उसको कवर करने के लिए, बस आप इतना भी करते रहे ना तो बहुत वेल ज्यादा बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। फिर जब आपका ग्रुप टू होगा तो सेम ग्रुप टू के साथ साथ आपको पढ़ लेना है, फिर जब आपको सेल्फ स्टडी का समय मिलेगा तो फिर आप अपना मेन फोकस रखेंगे सेल्फ स्टडी की ओर, रिवीजन की ओर, सारी सारे चीजों की ओर, राइट। तो हम लोग है अभी एकदम बढ़िया राइट ट्रैक पे लॉ के इसमें, तो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% ऑफ सिलेबस अपना हो चुका है, 50% एग्जैक्ट बचा हुआ है ना। बहुत से बार कभी कभार बोलते हैं कि अरे सर अपने को ऐसा लगता नहीं क्या कि जल्दी सिलेबस होगा, नहीं होगा, इतनी बेयर मिनिमम स्पीड रखना ही पड़ता है, अगर नहीं रखे बेटा तो अपने को फिर आगे के अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना पड़ेगा, है ना। तो इंटरमीडिएट का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, तो ऐसे केस के अंदर प्लीज फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।